वेलकम है प्लैनेट जो की पहली वीडियो में। और ये प्लैनेट जो गेम है ये बेसिकली जू मैनेजमेंट का गेम है। इसमें हमें एक जू चलाना है, जू को टाइम टाइम अपडेट करना है, वहां पे एनिमल्स को मैनेज करना है, एनिमल्स को लाना है, उनकी देखभाल करनी है, वहां पे विजिटर्स को देखना है और मेरे लिए प्रॉफिट कमाना है। तो एक हमें पूरा का पूरा जू में चलाना है। तो इस गेम में एक अपना जू बनाएंगे और जू भी पूरा कस्टम बनने वाला है। तो उसमें जैसा मन चाहे वैसा जू क्रिएट कर सकते हैं और उस जू को जो है फिर चलाएंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। बट अभी क्या है, अभी उस जू को चलाने से पहले गेम की बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। तो बेसिक्स को समझने के लिए एक जो जू है वो पहले से चलता हुआ जू है, तो उसके वहां पे हमें जो है काम करना है और बेसिक चीजों को समझना है। अभी गेम को स्टार्ट करते हैं। और जिस जू में अभी हम काम करने वाले हैं वो जू काफी पुराना जू है, उसका नाम है गॉडविन हाउस। और गॉडविन हाउस में अभी बेसिकली थोड़े दिन काम करेंगे और देखेंगे, वहां पे समझेंगे चीजों को कि क्या क्या इश्यू आते हैं, कैसे मैनेज करना होता है। उसके बाद अपना जू जो है कस्टम बनाएंगे और उसे ओपन करेंगे और उसमें सब चीजें कस्टम रहने वाली है। अभी एक दो दिन इस वाले जू पे काम कर लेते हैं। तो ये जू की एंट्रेंस है और जू की एंट्रेंस यहाँ से होती है। तो यहाँ पे काफी सारे विजिटर्स आए हुए हैं और यहाँ से जो है एंट्रेंस ये वाली है। और एक बार यहाँ से देखते हैं। ओके, तो यहाँ से ये एंट्रेंस है और यहाँ पे टिकट चेक करने का है। और अंदर से जू को एक बार ऊपर से देखते हैं कि जू देखने में एक्चुअली लग कैसा रहा है। तो ये जू बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। तो यहाँ पे जो है पूरा जंगल है और शायद चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मतलब ये जू भी काफी एक्सटेंड हो सकता है, बट ये हमारा जू नहीं है। हम जो अपना जू बनाने वाले हैं अलग जगह पे बनाने वाले हैं। तो अभी ये जो जू है इसमें जो है कुछ काम करना पड़ेगा, उसके उस काम से सीख के थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद फिर अपना जू ओपन करेंगे। तो अभी बेसिकली एनिमल्स के बारे में जानना है, तो एनिमल्स के बारे में जानने के लिए उन पर डबल क्लिक करना है। तो ये बैर है, ये बैर अभी यहाँ पे घूम रहा है और ये यहाँ पे इसके थोड़े से कैमरे के एंगल चेंज कर सकते हैं। और ये इधर सोने के लिए आ रहा है शायद, क्योंकि बैर जो है ज्यादातर टाइम सोते ही रहते हैं। ये थोड़ी देर बाहर घूम के आया, उसके बाद यहाँ पे सोने के लिए आ गया। और ये इसका अलग अलग कैमरे का एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ, तो ठीक है। बाकी इसकी स्टैट्स आ गई हैं। तो यहाँ पे इसका वेलफेयर के में जो इसका न्यूट्रिशन, सोशल हैबिटेट, एनरिचमेंट, तो इन सब का मुझे ध्यान रखना है कि ये सब जो है पूरे प्रॉपर रहने चाहिए। और अगर कोई सा भी कुछ मेरे को कमी लगती है तो उसके लिए मेरे को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि ये बैट जो है ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेट को बुला सकता हूँ, मतलब जो जानवर का डॉक्टर है उसको बुला सकता हूँ, या फिर जो यहाँ पे इनके हैबिटेट में कीपर रखे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज रखे हैं इनकी देखभाल के लिए, उनको बुला सकते हैं। क्योंकि वो भी काफी हद तक जानते हैं कि एनिमल कैसे बिहेव करता है, छोटी मोटी इश्यू तो वो भी रिजोल्व कर सकते हैं। तो बाकी ठीक है, एक बार बाहर की साइड चलते हैं। और ये यहाँ पे अपने कीपर्स हैं, जो इम्प्लॉयज हैं जू में जो काम करते हैं। और अभी क्या है, अभी काफी भीड़ है वैसे सुबह सुबह भी, और अभी यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स हैं। और ये वाला कौन से एनिमल का हैबिटेट है, यहाँ कोई एनिमल, एक मिनट देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके, ये लायन का है। तो यहाँ पे लायन यहाँ पे सो रहा है। लाइन का छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पे, तो इसको पास से देखते हैं। नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, लाइन अब जाग चुका है। तो एक मिनट बाहर की साइड चलते हैं, इन्हें यहाँ खेल लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी एनिमल का सारा न्यूट्रिशन का, सोशल हैबिटेट, एनरिचमेंट सबका आ रहा है। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा कि मुझे एक एम्प्टी जगह ढूंढनी है। बाकी यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है, तो मतलब जू के अंदर छोटी ट्रेन भी चलती है। और यहाँ पे कुछ ये वेट कर रहे हैं, हाँ ये ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन है कहाँ पे, ट्रेन भी तो दिखनी चाहिए, आवाज तो आ रही है ट्रेन की। और इधर ये ट्रैक पूरा शायद चारों तरफ घूमता है, हाँ ये रही ट्रेन यहाँ पे। और छोटी सी ट्रेन है, स्टीम इंजन वाली ट्रेन है। और यहाँ पे ये जाएगी, इधर जाकर प्लेटफॉर्म पे रुक जाएगी। एक मिनट देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे रुकती है यहाँ पे, हाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पे रुक गई। और यहाँ पे पहले से काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। चलो ये तो ट्रेन का तो चलता ही रहेगा। और बाकी यहाँ पे फाउंटेन है, और इधर यहाँ पे क्या देखने खड़े हो, यहाँ भी कुछ देख नहीं, यहाँ तो खाली फाउंटेन ही है, यहाँ तो कोई एनिमल वगैरह नहीं है। अच्छा यहाँ पे पीकॉक है, ये रहा पीकॉक यहाँ घूम रहा है, एक पीकॉक ये रहा। तो ये पीकॉक का हैबिटेट है, तो पीकॉक के हैबिटेट तो काफी ज्यादा सही बना रखा है, मतलब फाउंटेन वगैरह लगा रखा है। और ये सामने फाउंटेन है, फाउंटेन में इसमें अंदर फिश विश है कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल ऐसी फाउंटेन है, फिश वगैरह का अलग होगा। तो अभी ये वाला हैबिटेट जो है खाली है, और इसमें वॉरथॉक्स को रखना है मुझे। तो वॉरथॉक्स को खरीदने के लिए यहाँ पे एनिमल मार्केट में जाना पड़ेगा। और ये है वॉरथॉक्स, ये दो वॉरथॉक्स अभी अडेप्ट करने हैं इसमें, क्योंकि ये वॉरथॉक्स का हैबिटेट है जो खाली है। तो एक ये रहा, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, एक ये रहा इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों एनिमल्स जो अडॉप्ट करने वाले अपने ट्रेड सेंटर में आ चुके हैं, और ट्रेड सेंटर में ये रहे, अब इनको बस जू में यहाँ पे प्लेस करना है।
तो यहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉय लेके आ जाएंगे इनको, दूसरे वाले को भी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये अपना केयर टेकर यहाँ पे एनिमल को लेके आ रहा है इन वाले बॉक्सेस के अंदर, तो इसको लाके इसमें यहाँ पे रखने देते हैं। और ये इतना एक्साइटेड क्यों लग रहा है, अलग ही खुशी है इसके। तो इसने यहाँ पे लाके बॉक्स खोल दिया है, एक तो आ गया, दूसरा भी आने वाला है, दूसरे का भी वेट कर लेते हैं। उसको आएंगे खाने का और पानी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो ये दूसरे वाला भी आ गया यहाँ पे। ओके, तो दूसरा भी आ गया। और बाकी यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहा है इनके रिलेटेड ना, शायद इनकी एंट्री वगैरह, वेट वगैरह, इनकी बेसिक चीजें चेक कर रहा होगा और लिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरे वाला यहाँ पे आके बैठ गया, ये बैठा हुआ है दूसरा वाला यहाँ पे। बाकी इनके खाने का पानी के लिए लगा देते हैं। और इनकी स्टेट्स में अभी इनका न्यूट्रिशन भी कम है और एनरिचमेंट तो अभी है ही नहीं, तो ठीक है इनके लिए कुछ लगाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। बाकी अपने विजिटर्स यहाँ पे देखने इन्हें आ गए हैं और बच्चों के काफी पसंद होते हैं। और अभी इनके हैबिटेट में मुझे लगाना है पानी का और खाने का इनका। तो अभी इन दोनों वॉर्थ हाउस के लिए फीडिंग स्टेशन लगाना है और वाटर स्टेशन लगाना है। तो फीडिंग स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा फीडिंग स्टेशन इनका। तो इसको तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। और एक वाटर के लिए लगाना है, तो ये हो गया फूड ट्रफ और ये हो गया वाटर बॉल। और अभी इनके लिए ना एक मड़ बाथ भी लगाना है। तो वॉर्थ हाउस को मड़ बाथ काफी ज्यादा पसंद होता है, तो इनके मड़ बाथ के लिए यहाँ देखना पड़ेगा मड़ बाथ कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये रहा मड़ बाथ, एक मड़ बाथ लगाते हैं और यहाँ पे इधर की साइड प्लेस कर देते हैं, नहीं इधर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक मड़ बाथ लगा देते हैं इनके लिए, ठीक है। तो अभी वॉर्थ हाउस का तो हो गया और ये मड़ बाथ भी हो गया, खाने का भी हो गया, पानी का भी हो गया। और बाकी यहाँ पब्लिक भी आराम से खड़े होकर देख रही है। और अभी चलते हैं अगर ऑस्ट्रिच वाले हैबिटेट में। ऑस्ट्रिच वाला हैबिटेट जो है अभी कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद वहां पे ऑस्ट्रिच लेके आने हैं। और ऑस्ट्रिच वाला हैबिटेट यहाँ पे मैप पे कहीं दिख रहा होगा, तो ये रहा, अभी तो उसकी वॉल ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी पहले इसकी वॉल कंप्लीट करनी है। तो अभी इस वाले हैबिटेट को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले तो उसमें एक गेट लगाना पड़ेगा। तो गेट तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो एक वॉल यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और ये इधर तक लग पाएगी यहाँ पे, एक ऐसे, और इसको कंप्लीट कर देते हैं वहीं तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। तो ये मैंने साई साई वॉल जो है यहाँ पे ईट की लगा दी है, बट कुछ ग्लास की भी चाहिए ताकि जो अंदर ऑस्ट्रिच रखेंगे, जो विजिटर्स आएंगे उनको देख सके। तो एक ये वाली वॉल को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने एक ये वाली वॉल जो थी ब्रिक की रिप्लेस कर दी ग्लास से, तो यहाँ से जितने विजिटर है सारे ऑस्ट्रिच को देख सकते हैं अंदर। अब बस करना ये है कि यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स लगाना है, क्योंकि डोनेशन बॉक्स काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जू की मेनली इनकम डोनेशन बॉक्स से ही आती है। तो जब विजिटर्स को एनिमल्स को पसंद आते हैं तो वहाँ पे डोनेशन बॉक्स में वो डोनेशन डाल सकते हैं। अभी यहाँ एक डोनेशन बॉक्स लगा देते हैं, तो डोनेशन बॉक्स फैसिलिटीज में जाके यहाँ पे रहा। और इस डोनेशन बॉक्स को यहाँ पे कहीं प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अपना ऑस्ट्रिच का हैबिटेट तो रेडी है, अब बस ऑस्ट्रिच लेके आना है यहाँ पे। और मुझे ऑस्ट्रिच यहाँ पे एनिमल ट्रेड सेंटर से परचेस करने पड़ेंगे। तो ये चार ऑस्ट्रिच यहाँ अवेलेबल है, इन्हें अडोप्ट कर लेते हैं। तो ये चार हो गए अडोप्ट, अभी ट्रेड सेंटर में आ गएंगे, तो इनको ट्रेड सेंटर से यहाँ पे भेज देते हैं। और अभी एक आया, ये वाला रिलोकेटिंग हो गया, इसको भी यहाँ भेजते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच तो अपने आने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी इनके लिए जो है यहाँ पे खाने का और पानी का इंतजाम कर देते हैं। तो हैबिटेट में एक तो ये फूड वाला बाउल लगा देते हैं और एक ये स्लो फीडर है और ये वाटर ट्रफ है ऑस्ट्रिच का। तो अपना पहला ऑस्ट्रिच तो आ चुका है और अंदर आराम से घूम भी रहा है। और ये दूसरा वाला बॉक्स भी आ गया और दो बॉक्स और आ रहे हैं, ठीक है। ये दो बॉक्स और गेट के अंदर एंटर होने वाले हैं। चलो अपने चारों चारों ऑस्ट्रिच आ चुके हैं अंदर। तो ये अपने चारों ऑस्ट्रिच यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये एक दो तीन और ये चार, एक ही यहाँ पे सोने में लगा हुआ है। हाँ, ये यहाँ पे आराम कर रहा है बैठ के। तो ठीक है, अब बस करना इतना है कि जो इनके लिए कीपर रखने वाले हैं हम, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनका ध्यान रखने वाले हैं, उनकी हट प्लेस करनी है। और उनकी हट में यहाँ पे प्लेस करनी है इसके साथ में, ताकि जो इनके लिए खाना वगैरह वो तैयार करे उनका ध्यान रखने के लिए। तो बिल्कुल ऑस्ट्रिच के हैबिटेट के साथ में ही होना चाहिए। यहाँ पे एक हट प्लेस कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो ये हट यहाँ पे प्लेस करनी है, तो इसका जो है फ्रंट दूसरी साइड है, फ्रंट इसका मूव करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला इसका फ्रंट, और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करते हैं प्लेस, अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ सीधी है, इधर प्लेस कर देते हैं। चलो ये तो हो गई प्लेस। अब इसके साथ में मुझे एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर भी प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक कीपर्स के लिए हट लगा दिया और ये ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ट्रांसफॉर्मर से क्या है, अपना जो जितने भी हैवी डेटा आसपास उनको पावर सप्लाई हो सकती है,
और यहाँ पे कीपर हट में जो है पावर सप्लाई जा सकती है, जिससे खाना वगैरह तैयार हो सकता है। बाकी इन दोनों से फायदा ही होने वाला है, ये दोनों ऐसी लोकेशन मैंने प्लेस किए हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच के लिए भी काम करेगा और यहाँ पे हिप्पोस के लिए भी काम करेगा। तो ये यहाँ पे हिप्पोस का हैबिटेट है और इसमें पानी भी काफी सारा है और ये छोटी सी हट है, तो ये हिप्पोस वाले हैबिटेट में भी काम करेगा। तो यही वाले जो कीपर है ये इधर भी ध्यान दे लेंगे। और ये हिप्पोस की हट है यहाँ पे, ये रही हट। हाँ, और ये एक हिप्पो ये रहा और एक हिप्पो ये रहा, और यहाँ पे ये पानी है हिप्पोस का। तो ठीक है, दोनों तो पास पास है, तो इसी हट से उसी ट्रांसफॉर्मर से काम चल जाएगा। और बाकी अब चलते हैं दूसरी जगह पे। तो अभी यहाँ पे एक नया हैबिटेट बनाना है, और वो हैबिटेट बनाना है बंगाल टाइगर्स के लिए। तो बंगाल टाइगर के लिए एक प्रॉपर स्क्रैच से जो हैबिटेट नया शुरू करना है। और यहाँ पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बाउंड्री वॉल्स यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। 1 hour later तो मैंने बंगाल टाइगर्स के लिए हैबिटेट बना दिया है। यहाँ पे ब्रिक्स की जो है बाउंड्री की है पूरी पूरी, इधर ये ग्लास का है यहाँ पे, तो ग्लास से जो है इजीली अंदर देख सकते हैं। इधर ब्रिक्स का है क्योंकि यहाँ पे मुझे गेट लगाना था, ग्लास वाले में गेट लगा ही सकता था। और इधर भी ग्लास का है तो काफी दिखेगा यहाँ से। और इधर एक डोनेशन बॉक्स लगा दिया है, और उसकी हाइट मैंने वॉल्स की काफी ऊंची रखी है ताकि बंगाल टाइगर्स जंप करके बाहर ना निकल जाए। अब बस बंगाल टाइगर्स को यहाँ पे लेके आना है। तो अभी एनिमल ट्रेडिंग में यहाँ से परचेस कर लेते हैं, और ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, 12,613 का तो ये वाला है, इसको अडॉप्ट करते हैं। और 10,521 का ये वाला है। तो ये एक फीमेल है एक मेल है। ओके, तो अब इन्हें ट्रेड सेंटर में लेके, ये ट्रेड सेंटर में इन्हें यहाँ बुला लेते हैं। एक यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल कर दिया है और एक इसके यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल कर दिया है। बाकी इनके लिए अभी जो है फीडिंग स्टेशन लगाना है। तो ये है ट्रे है इसकी, तो ट्रे भी काफी ज्यादा कॉस्टली है, $500 की है। तो बंगाल टाइगर्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक तो आ गया, दूसरे वाला हाँ यहाँ पे भी आ चुका है। और बाकी इनके खाने के लिए तो लगा दिया है, पानी के लिए इनके लिए ऐसे कोई बॉल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पानी के लिए जो यहाँ पे ये गड्ढा डिग कर रखा है इसी में पानी भरते हैं, यहीं से पानी पी लेंगे। तो इसमें पानी भरने के लिए यहाँ पे ये पानी की ऑप्शन है, और यहाँ पे इसमें पानी भर रहे हैं। तो बाकी ये पानी मेरे को ठीक लग रहा है, या थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसमें, यहाँ तक भर देते हैं। हाँ इतना ठीक है, ज्यादा पानी हो गया, वैसे इनके लिए सेफ है इतना पानी, ये पानी में तैर सकते हैं। और ये पानी पीने आ भी गया, देखो ठीक है, इनको पानी काफी ज्यादा पसंद है। और बाकी इनके एनरिचमेंट के लिए कुछ मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैबिटेट में कुछ एनरिचमेंट का भी होगा इनके लिए। बाकी ये रबिंग पैड है ये लगा लेते हैं। तो ये जो है टाइगर्स को जब कभी अपना रब करना होगा इससे रब कर लेंगे, क्योंकि टाइगर्स को नॉर्मली आदत होती है पत्थरों से अपने शरीर को रब करने की, तो यहाँ से रब कर लेंगे। बाकी इनके लिए एक शेल्टर लगाना है, तो शेल्टर है ये वाला। और शेल्टर को कहाँ प्लेस करता हूँ मैं, शेल्टर को यहाँ पे कहीं प्लेस करता हूँ, इधर की साइड ठीक रहेगा या इधर, यहाँ भी प्लेस करते हैं इधर की साइड यहाँ पे। हाँ ये इनका शेल्टर ठीक है यहाँ पे। बाकी टाइगर्स के शेल्टर में कुछ ज्यादा ही घास है, इतनी घास टाइगर्स को पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे सॉइल डालनी पड़ेगी। तो ये वाली सॉइल थोड़ी सी यहाँ पे भी डाल देते हैं ताकि टाइगर्स यहाँ पे सॉइल में आराम से घूम सके, मतलब टाइगर को मड काफी ज्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मड डाल दी है, इधर मड हो गई है, इधर घास हो गई है। तो बाकी अपने टाइगर सब हैप्पी लग रहे हैं, देखने में तो लग रहे हैं, बाकी इन्हें गुस्सा काफी ज्यादा आता मुझे लग रहा है। और ये भी ठीक है यहाँ पे, यहाँ पे इनका पानी का इंतजाम भी हो गया। और इनके शेल्टर को भी एक बार अंदर से देख लेते हैं, शेल्टर भी ठीक है इनके रुकने के लिए। और बाकी इधर क्या है यहाँ पे, ये इधर अपना एम्प्लॉय कुछ कर रहा था, मैं देख रहा था। तो कुछ यहाँ पे वाटर का सिस्टम लग रहा है मेरे को, नहीं ये ट्रांसफॉर्मर है। ओके, तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। बाकी ठीक है अपने टाइगर्स का तो यहाँ पे, और ये अपने विजिटर्स भी यहाँ पे काफी खुश हो रहे हैं देख के। बाकी ये अपना कंप्लीट जू है, और जिसमें अभी धीरे धीरे अभी काफी सारे काम करने हैं, काफी सारी सीखनी है, और उसके बाद फिर एक बढ़िया सी लोकेशन देखिए अपना खुद का जू बनाना है। और बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतने, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।